वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। सो आज मैं आप लोगों के साथ कैनवस कैसे बनता है वो मैं शेयर करने वाली हूँ, और बहुत ही ईजी वे में बना सकते हैं आप सिर्फ तीन चीज़ों का यूज़ करके। यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कार्डबोर्ड और फ्यूज़न, जो कि आप नेकलाइन वगैरह में यूज़ करते हैं टेलर्स लोग वो, और आयरन की नीड होगी इसको पेस्ट करने के लिए, बिकॉज़ जो फ्यूज़न है वो आयरनेबल है, आप इसके ऊपर बिना ग्लू के इजीली कार्डबोर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। तो घर में कोई सा भी कार्डबोर्ड पड़ा हो, आप बहुत इजीली उस चीज़ को कट करके किसी भी शेप एंड साइज़ में आप उसको अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 10x10 का कैनवस क्रिएट कर, 10x10 सेंटीमीटर्स में कट कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने फ्यूज़न जो लिया है वो 13x13 सेंटीमीटर्स का लिया हुआ है। जिस तरीके से मैं आपको शो कर रही हूँ इस तरीके से आपको कट करना है, आप किसी भी साइज़ में कट कर सकते हैं। मेरे को रिक्वायरमेंट इस समय अभी है 10x10 का कैनवस में क्रिएट करना चाहती हूँ, तो वही मैं क्रिएट कर रही हूँ। अब इसकी आपको चाहिए थिकनेस थोड़ी ज़्यादा हो तो आप इसमें लेयरिंग कर सकते हैं, दो तीन कार्डबोर्ड एक साथ पेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ प्रोफेशनल वे में जिस तरीके से आप मार्केट में परचेज करते होंगे, बैक साइड में फ्रेम लगा होता है तो आप वो भी क्रिएट कर सकते हैं। घर में अगर आपके पास वुड्स हैं आप उसको नेल करके ईजिली उसको भी अचीव कर सकते हैं सेम वे में, बट ये सबसे इजी तरीका है। तो इसमें जो शाइनी साइड होता है ना फ्यूज़न में, आपको वो पेस्ट करना है कार्डबोर्ड की साइड। तो यहाँ पे मैं प्लेस कर रही हूँ इस तरीके से ताकि चारों तरफ से मैं इसको सील कर पाऊँ, और उसके बाद अब मैं थोड़ा सा ग्लू लगा के सेंटर में पेस्ट कर रही हूँ जिससे मूव ना हो और आयरन बहुत ईजीली हो जाए। सो यस, यही एक तरीका है जिसके अगर आपके पास कैनवस के लिए बहुत ज़्यादा पैसे नहीं हैं और आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट भी नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आप बिगिनर्स हैं, तो ये सबसे बेस्ट मेथड है कि आप अपने घर में ही बहुत इजीली कैनवस को अचीव कर सकते हैं। ये मेरा बहुत ही पुराना और बहुत ही अच्छा ट्रिक है कि कैनवस आप घर पे बना सकते हैं। तो इसके लिए आयरन आपका हॉट होना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ पेस्ट नहीं होगा फ्यूज़न। और ये फ्यूज़न आपको मार्केट में 30-40 रुपीज़ मीटर आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। 30-40 रुपीज़ मीटर आपके लिए बहुत होता है, आप कोई भी शेप एंड साइज उससे क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही टीनी टाइनी सा कैनवस क्रिएट किया है मैंने, तो इस तरीके से आप अपना कैनवस क्रिएट कर सकते हैं। इसके बैक में मैं बैकिंग लगा रही हूँ सेम फ्यूज़न का ही यूज़ करके, आप इसमें पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, बट मेरे को यहाँ पे यही यूज़ करना है बैकिंग के लिए, क्योंकि पेपर आप यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली वो गंदा हो जाता है और ये इजीली जल्दी से गंदा नहीं होता, इसलिए मैं इसी को पेस्ट कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको ऐसे ही छोड़ भी सकते हैं। सो इस तरीके से अगर आपका आयरन हीट नहीं है तो आप उसको हीट कर लें, क्योंकि मैंने इसको प्लग नहीं किया था इसलिए वो ठंडा हो गया था। इस तरीके से आप पूरा आयरन कर लें, बहुत ईजीली आयरन हो जाएगा और पेस्ट हो जाएगा और निकलेगा भी नहीं आपका ये। अब मैं आपको इसको प्राइम करना बता रही हूँ। अब प्राइम करने का बहुत सारे तरीके होते हैं, आप एक्रिलिक पेंट भी उसके ऊपर पेस्ट कर सकते हैं, वो पेंट कर सकते हैं जिससे कि आपकी एक स्मूथ लेयर कैनवस के ऊपर क्रिएट हो जाए और आपका जो पेंट है वो इजीली ग्लाइड हो जाए। बट यहाँ पे मैं जेसो आपको क्रिएट करके दिखा रही हूँ कि आप घर में कैसे जेसो क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जितना मुझे डिज़ायर है उसके अकॉर्डिंग मैंने अपना पाउडर लिया, पाउडर कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसमें ग्लू डाला है, फेविकोल है जो कि ईजिली आपको मार्केट में मिल जाता है, और इसमें मैंने वाइट कलर डाला है बिकॉज वाइट मुझे नीड होता है पूरा बैकग्राउंड क्रिएट करने के लिए। आप इसमें कोई सा भी कलर डाल सकते हैं आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है और आपको कंसिस्टेंसी देखनी है कि आपको बहुत लिक्विड ही चाहिए कि थिक चाहिए। तो यहाँ पे आप वाटर का यूज़ करके इसको थिक और थिन कर सकते हैं अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। तो ये तीन चीज़ें मिक्स करके पाउडर, ग्लू एंड कलर, आपका पोस्टर कलर यूज़ किया आप इसकी जगह एक्रेलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं। तो बहुत ईजी है प्राइम क्रिएट करना और जेसो बनाना। मार्केट में जेसो जो आप ब्रांडेड लेते हैं वो आपका 500-600 रुपीज़ से स्टार्ट होता है, और आई गेस 20 ml का 20 ml या 30 ml आपको मिलता है 600-700 रुपीज़ का मिल जाता है आपको।
तो ये सबसे चीप तरीका है और बहुत अच्छा वर्क करता है। मैं आपको यहाँ पे प्राइम करके भी दिखा रही हूँ। आप इसके दो, एक या दो लेयर्स, वैसे तो मैंने यहाँ पे एक ही लेयर किया हुआ है, बट आप इसके चाहें तो दो लेयर्स क्रिएट कर सकते हैं और अपने कैनवास को प्राइम कर सकते हैं। होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को थम्स अप बड़ा सा दे दीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आपके मेरी वीडियोस आपको फ्यूचर में मिलती रहें आप और सीखते रहें इसी तरीके से। और इसके ऊपर कैसे ड्रॉ होगा मैं आपको फ्यूचर वीडियो में बताऊँगी, इसका रिव्यू करूँगी पूरा प्रॉपर किस तरीके से इसके ऊपर मैंने ड्रॉ किया और क्या एक्सपीरियंस रहा है। और ये मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ तो ये ट्रस्टी है, आप इस पर पूरे तरीके से बिलीव कर सकते हो और अपने किसी भी आर्ट को फॉर्म कर सकते हो बहुत इजीली। ट्रस्ट भी गाइस, बहुत इजीली आप इसमें कोई भी स्केच ड्रॉ कर सकते हैं। सो एंड में मैंने यहाँ पे एक पिक्चर शो किया है जो कि आपको बहुत ईजीली दिख जाएगा एंड में कि किस तरीके से मैंने इसमें ड्रॉ किया है और क्या रिजल्ट्स आए हैं। और अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो प्लीज़ मेक श्योर आप इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। आईडी आपको डिस्क्रिप्शन में या एंड में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।